सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको बताया होगा कि अभी लॉकडाउन 4 चल रहा है और इस लॉकडाउन 4 में हमारे ऑफिस हो गए, हमारे वर्कशॉप हो गए, सभी रेस्टोरेंट हो गए, सभी होटल्स हो गए, इन सभी को ओपन करने की परमिशन गवर्नमेंट ने दे दी और साथ ही साथ में हमारे ऑटोमोटिव डीलर शोरूम भी ओपन हो गए हैं। तो आप में से कई लोगों ने सोचा होगा कि हमें एक कार बाय करनी है या फिर कार बाय करने वाले होंगे, तो आपके दिमाग में कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि हमें कौन सी कार पर अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है, कौन सी कार कंपनी हमें अच्छा डिस्काउंट देने वाली है, क्या लॉकडाउन के बाद गाड़ियों के दाम बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले मारुति सुजुकी की वो गाड़ियों के बारे में जिसपे आपको मिलने वाला है बहुत ही अच्छा डिस्काउंट। मतलब कितना अच्छा मिलने वाला है वो जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे आ जाती है मारुति सुजुकी की ऑल्टो 800, जिसकी एक शोरूम प्राइस है 2.94 लाख से होकर 4.36 लाख तक मिल जाती है। इस गाड़ी पे आपको मिलता है 22,000 तक का डिस्काउंट बेनिफिट मिल जाता है, और आप अपनी कार को एक्सचेंज करवाना चाहते हो तो 15,000 तक का एक्सचेंज बोनस मिल जाता है। तो कुल मिला के आपको अप टू 37,000 तक का डिस्काउंट बेनिफिट मिल जाता है। तो दूसरे नंबर पे आ जाती है मारुति सुजुकी की एक्सप्रेस, जिसकी एक शोरूम प्राइस है 3.7 लाख से होकर 4.99 लाख तक मिल जाती है। इस गाड़ी पे आपको मिलता है 27,000 तक का डिस्काउंट बेनिफिट, और आप अपनी कार को एक्सचेंज कराते हो तो आपको 20,000 तक का एक्सचेंज बोनस मिल जाता है। कुल मिलाकर आपको अप टू 47,000 तक का बेनिफिट मिल जाता है। तीसरे नंबर पे आ जाती है मारुति सुजुकी की इको, जिसकी एक शोरूम प्राइस 3.8 लाख से होकर 5 लाख तक मिल जाती है। इस गाड़ी पे आपको 12,000 तक का डिस्काउंट बेनिफिट मिल जाता है, और 20,000 तक का एक्सचेंज बोनस मिल जाता है। कुल मिला के आपको 32,000 तक का बेनिफिट मिल जाता है। तो चौथे नंबर पे आ जाती है मारुति सुजुकी की वेगेनर, जिसकी एक शोरूम प्राइस है 4.45 लाख से होकर 5.94 लाख तक मिल जाती है। इस गाड़ी पे भी आपको मारुति सुजुकी की तरह ही आपको 12,000 तक का डिस्काउंट बेनिफिट मिल जाता है, और अपनी गाड़ी को एक्सचेंज करवाना चाहते हो तो आपको 20,000 तक का एक्सचेंज बोनस मिल जाता है, और कुल मिला के आपको 32,000 तक का बेनिफिट मिल जाता है। तो पांचवें नंबर पे आ जाती है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट, जिसकी एक शोरूम प्राइस है 5.19 लाख से होकर 8.2 लाख तक मिल जाती है। इस गाड़ी पे आपको मिलता है 22,500 तक का डिस्काउंट बेनिफिट, अगर आप अपनी कार को एक्सचेंज करवाना चाहते हैं तो 25,000 तक का एक्सचेंज बोनस मिल जाता है। कुल मिला के आपको मिलता है 47,500 तक का डिस्काउंट बेनिफिट मिल जाता है। तो छठे नंबर पे आ जाती है मारुति सुजुकी की डिजायर, इसकी एक शोरूम प्राइस है 5.19 लाख से होकर 8.20 लाख तक आपको मिल जाती है। इस गाड़ी पे आपको मिलता है 17,500 तक का डिस्काउंट बेनिफिट, और आप अपनी कार को एक्सचेंज करवाना चाहते हो तो 25,000 तक का एक्सचेंज बोनस मिल जाता है। कुल मिला के आपको 42,500 तक का डिस्काउंट बेनिफिट मिल जाता है। तो क्या लॉकडाउन के बाद गाड़ियों के दाम बढ़ने वाले या फिर नहीं बढ़ने वाले? तो भाई लोग अब सुन लीजिए, लॉकडाउन के बाद गाड़ियों के दाम बढ़ने वाले नहीं है, आप बेझिझक होकर कोई भी गाड़ी खरीद सकते हो। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको इनमें से कौन सी गाड़ी पसंद है और आप कौन सी गाड़ी बाय करने वाले हो। तो जल्दी जाइए प्लीज और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप कौन सी गाड़ी बाय करने वाले हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारी एक और नई वीडियो में। नेक्स्ट।